कातिल के बारे में रेहान जेब के वालिद साहब का एक ताज़ा तरीन पैगाम और कातिल जो गिरफ्तार हुआ है उसके बारे में भी आपके साथ मालूमात शेयर करेंगे। जैसे कि आपको पता है कुछ दिन पहले रेहान जेब के कत्ल के बारे में जो मालूमात शेयर कर दी गई मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से और यूट्यूब चैनल से, लोग कह रहे थे कि रेहान जेब का कातिल जो है वो मेवाली से गिरफ्तार हो चुका है और उसको अभी सजा दिलवाने का वक्त आ चुका है। लेकिन हुआ यूं कि जिस तरह भी हमने इंतज़ामिया से मालूमात कर ली और कुछ मालूमात इकट्ठे कर लिए, मालूम हुआ कि ये सब फेक न्यूज़ है, झूठ है और अभी तक रेहान जेब का कातिल गिरफ्तार नहीं हुआ। रेहान जेब के वालिद साहब अपने एक न्यू बयान में उसने कहा है कि कातिल को जल्दी पकड़ो और मैं उसे सिर्फ ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपने मेरे बच्चे को, मेरे लख्त जिगर को, मेरे बेटे को आपने क्यों मारा, उसका गुनाह क्या था। तो प्यारे दोस्तों, ये सबको मालूम है कि उसको किसने मरवाया। ये सियासी लोग है, इसको टिकट नहीं मिली थी, ये आज़ाद उम्मीदवार खड़ा था और लोग इसको वोट भी दे रहे थे, लेकिन जो मुखालिफ पार्टी थी, चाहे वह तहरीक इंसाफ की थी, जो भी थी, उसको ये बात अच्छी नहीं लगी और इस वजह से उसने रेहान जेब को सामने से हटा दिया। तो प्यारे दोस्तों, अब अल्लाह जानता है कि इसका एग्जैक्ट कातिल कौन है, लेकिन जब भी पुलिस कातिल पकड़ेगी उसके बाद पता चलेगा और हम आपके साथ पूरा इन्फॉर्मेशन और इसकी इंटरव्यू वीडियो शेयर करेंगे। तो इसलिए हारिस टीवी को सब्सक्राइब करें, मजीद अपडेट आपको जल्दी मिलती रहेगी।